हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जन संवाद कार्यक्रमों के तहत आज थानेसर विधानसभा के कई वार्डों का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा मौजूद रहे। इस मौके पर घनश्याम अरोड़ा ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा और घनश्याम अरोड़ा पात्र लोगों को उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हे और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सहायता सामग्री भी प्रदान की। मेरिट बेस पर, योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ने किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। ई टेंडरिंग सिस्टम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। पेंशन, जो आपकी पेंशन पहले कोई खा जाता था, गपड़े हो जाते थे, आपके खाते में डायरेक्ट पेंशन डालने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। आज 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको 5,00,000 रुपए का चिराग का 5,00,000 का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और जिनकी इनकम 3,00,000 है उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपए जमा कराने हैं, उनका ऑटोमेटिक उनका भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सबका साथ सबका विकास, आप पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट कराने का कार्य किया, मैं तारे से कहूँगा आपकी थ्रेसर विधानसभा के अंदर लगभग 3,500 करोड़ से ऊपर पैसा आ चुका है। आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ब्रह्मचर्य का चलता पानी, ज्योति सर का चलता पानी, 70 करोड़ों के अंदर सिर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अरोड़ा जी जो यमुनानगर के विधायक है, दो बार रहे, उन्होंने आज जन सेवा कार्यक्रम के लिए क्षेत्र में आए हैं तो हम सबकी आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से उन्होंने जन सेवा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में करा। उसके बाद उन्होंने उनके पास लगभग 35,000 एप्लीकेशन आई थी, 28,000 लोगों की उस पर कार्रवाई हो चुकी है, 7,000 अभी उस पर काम चल रहा है। इसी तरह उन्होंने कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगाई, मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी लगाई, अब हम सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई है जो हम जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में जा रहे हैं, लोगों की दिक्कतों को सुनकर उनसे लिख के वहां के ले रहे हैं। उसके ऊपर इस प्रकार से बड़े भाई घनश्यामदास जी ने अभी तुरंत प्रभाव से अधिकारियों का कि ये कार्य इमीडिएट कर दें और बाकी जो बचे हैं वो सारे की सारी एप्लीकेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास जाएंगी और वहां उनका जिस प्रकार से उनके सोल्यूशन हो सकेगा वहां पर होगा। ये बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक मार्गदर्शन का कार्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का, उनका विजन है किस प्रकार से एक से गरीब आदमी से जाके मिलना, उसकी बात को सुनना, उसके डिटेल में लेना और मुख्यमंत्री जी के पास जाना और मुख्यमंत्री जी उसके साथ डायरेक्ट बात करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जन संवाद कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 5, 4 और 1 इन 3 वार्डों में कार्यक्रम किए, 2 वार्डों के अभी बाकी है और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और लोग ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि सरकार आज हमारे घर पर आई है, हमारा कोई भी प्रार्थना पत्र है, शिकायत पत्र है, सुझाव पत्र है वो लेकर उसका समाधान किया जाएगा। और बहुत ही धैर्यपूर्वक तरीके से जो जनसंवाद सुनने के लिए लोग आए थे, मैं उनके धैर्य की प्रशंसा करता हूं। और जितने भी प्रार्थना पत्र उन्होंने दिए उनकी स्कैनिंग करके एक कापी जिला मुख्यालय में और एक प्रदेश का मुख्यालय में जाएगी और एक एक एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बनाई हुई है, गठित की हुई है, उसको वो देखते हैं और संबंधित विभाग को भेजकर उसका फीडबैक लेते हैं कितने काम हुए, कितने काम अभी हुए।